नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हमारे शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 12 स्मार्ट चार्ट के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ स्मार्ट चार्ट गणित का एक ऐसा पाठ है जिसमें दंड आरेख व विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से आंकड़ों के निरूपण की जानकारी को दोहराया गया है। इस नवाचार की यदि नवीनता और उपयोगिता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति को दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े शब्दों, वाक्यों, चित्रों और संख्याओं आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर ना बोलकर पाठ से जुड़े हुए आंकड़े विभिन्न संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित कर सारणीबद्ध करना और आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाने वाले शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को श्याम पट पर पाठ से संबंधित एक सारणी व दंड आरेख बनाने की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु तय की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे, छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा आंकड़े विभिन्न संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित कर दंड आरेख को दर्शाते हुए शब्द बोलकर पाठ को दोहराया जाता है। आइए अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और श्याम पट पर दी गई सारणी से संबंधित कोई एक जानकारी को बताएगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा खेती करने वाले व्यक्ति की संख्या 100 है। इसी प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों को बुलाते हैं और पाठ से निहित कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करके उसे सारणीबद्ध करना और दंड आरेख के माध्यम से उसकी व्याख्या करने की समझ विकसित करते हैं। इसी तरह से अनेक दैनिक जीवन में प्रश्नों की संक्रियाओं को भी करते हैं, भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा को गढ़ने की समझ विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है और सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करना सीखते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी लाभकारी है। शिक्षक पाठ स्मार्ट चार्ट को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्रों में अभिनव शिक्षण तकनीक को समझने की समझ विकसित होती है। तो ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।